मध्य प्रदेश के मुरैना की, जहां एसआई की दबंगई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। पटवारी की परीक्षा देकर लौट रहे छात्र से एसआई ने मारपीट की है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने एसआई पर कार्रवाई की मांग कर दी। एसआई राजकुमार चाहर नाम बताया जा रहा है, जो कि सीजन थाना में पदस्थ है। और ये जानकारी मिल रही है कि जो छात्र है पटवारी की परीक्षा देकर लौट रहे थे, इसी दौरान मारपीट कर दी। देखिए वर्दी का रौब दिखाते हुए एसआई साहब यहाँ नजर आ रहे हैं। नाम पता नहीं बचाया, मैं नाम पता बता रहा, मैं बना रहा हूँ ना, तू मेरे पापा भी आर्मी में से है, सूबेदार रिटायर है, दारू पिया घूम रहे आप। अपने नाम पता नहीं बचाया, मैं नाम पता बता, मैं बना रहा हूँ ना, तू मेरे पापा भी आर्मी में से है, सूबेदार रिटायर है, दारू पिया घूम रहे आप। अपने नाम पता नहीं बचाया, मैं नाम पता बता, मैं बना रहा हूँ ना, तू मेरे पापा भी आर्मी में से है, सूबेदार रिटायर है। देखिए आप सुन सकते हैं इस वीडियो में जो छात्र है वो कह रहे हैं कि आप दारू पीकर घूम रहे हो, आप नशा करके घूम रहे हो। और एक दूसरा छात्र कह रहा है कि मेरे पापा भी आर्मी में है, आप इस तरह से ये हरकतें कर रहे। ज्यादा बातचीत हम करेंगे हमारे साथ उमेश पाराशर, इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उमेश, वाकई में हैरानी की बात है कि एसआई साहब या कोई भी पुलिस कर्मी हो, उन्हें लोगों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर तैनात किया जाता है, लेकिन देखिए जो छात्र एग्जाम देकर लौट रहे हैं नशे में धुत, एसआई महोदय उन छात्रों के साथ ही मारपीट करने पर उतारू हो गए। देखिए जया, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से जो पुलिस होती है वो लोगों की सुरक्षा के लिए शपथ लेती है और लोगों की सुरक्षा करती भी है, लेकिन कुछ पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो ऐसी घटनाओं को अंजाम भी देते हैं। जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि ये जो एसआई है वो शराब के नशे में था, और जब ये दो छात्र थे जो परीक्षा देकर पटवारी की परीक्षा देना बताया जा रहा है छात्रों के द्वारा, और जब ये स्टेशन पर खड़े थे उसी समय जब ये इंस्पेक्टर थे वो वहां पहुंचे थे और उनसे किसी बात को लेकर बहसबाजी हो गई। हालांकि छात्रों ने कहा कि आप नशे में इस तरह से गाली गलौज ना करें, अगर कोई बात हो तो हमको बताएं, हमारा कसूर बताएं, लेकिन इस पर वो एसआई है उसकी दमंगई कहीं ना कहीं देखने को मिली और एक छात्र के कॉलर पकड़कर उसमें चांटे जड़ दिए और उसके बाद गाली गलौज भी की। जब इस पूरे मामले को लेकर जो पीड़ित छात्र थे वो एसपी के यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो पुलिस कर्मचारी है, ये जो एसआई है, उसने हमारे साथ बदसलूकी की है और हमारी मार पिटाई की है, और हालांकि कोई वजह इसमें निकल के नहीं आई है। हालांकि एसपी ने जांच के आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन अभी इस पूरे मामले में कोई जांच ना तो बैठी है और ना ही दोषी के खिलाफ कोई कार्रवाई। देखने वाली बात होगी उमेश के क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, क्योंकि देखिए एक तरफ तो ये एसआई साहब नशे में धुत है, वर्दी उन्होंने पहनी है, ड्यूटी पर नशे में मौजूद है, और दूसरी तरफ बेकसूर छात्रों के साथ इस तरह से मारपीट कर रहे हैं, वर्दी का रौब झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। मैं नाम पता बता, मैं बना रहा हूँ ना, तू मेरे पापा भी आर्मी में से है, सूबेदार रिटायर है, दारू पिया घूम रहे आप। अपने नाम पता नहीं बचाया, मैं नाम